नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। केंद्र के बाद अब हरियाणा ने भी घटाई पेट्रोल डीजल की कीमतें। जी हां, केंद्र के बाद अब हरियाणा ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम कर दी है। इस बारे में वीरवार को चंडीगढ़ में जानकारी देते हुए हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों के संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा राज्य सरकारों से की गई अपील पर विचार करते हुए हरियाणा ने भी कीमतों में 2.5 रुपये प्रति लीटर की कमी की है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा की गई कटौती के बाद में हरियाणा में पेट्रोल व डीजल की कीमतें लगभग 5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से कम हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि कीमतों में कटौती से हरियाणा सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों में मिलने वाले वेट में राजस्व में सालाना करीब 2000 करोड़ का घाटा होगा। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। लोग पेट्रोल डलवाने के लिए आते हैं, क्या प्रतिक्रिया रहती है उनकी? आज जो अचानक 5 रुपये कम हुए हैं तो उसका फर्क लोगों में अच्छा फर्क पड़ा है उससे, जैसे पहले पेट्रोल डलवाने आते थे और अब में कितना फर्क पड़ा है? राहत महसूस कर रहे हैं लोग। देखो, 5 रुपये कम नहीं होते जी। तो अगर 200 लीटर का बैरल डलता है, अगर 200 लीटर ड्रम में डलता है तो 1000 रुपये का अंतर आता है जी। तो किसान भाइयों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। दोनों चीजों में फर्क आया डीजल और? बिल्कुल जनाब, दोनों चीजों में फर्क आया। हरियाणा सरकार ने ये निर्णय किया है कि केंद्र सरकार का जो निर्णय, हम उसका स्वागत करते हैं और हरियाणा भी अपने वैट में डीजल और पेट्रोल में इस कदर कटौती करेगा जो आज रात 12 बजे के बाद लागू हो जाएगा, तो उसमें भी हम लगभग 2.5 रुपया प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल दोनों पर कटौती करने का काम करेंगे। आज ये फैसला लागू हो जाएगा। कल आज के जो रेट लगभग हमने अनुमान लगाए हैं उसके अनुसार लगभग 71 रुपया कुछ पैसे वो डीजल की कीमत होगी, लगभग 79 रुपये कुछ पैसे वह पेट्रोल की कीमत हो जानी चाहिए। ये कटौती जो है आज रात से लागू होगी और हरियाणा के राजस्व पर इसका जो सालाना जो एनुअल इम्पैक्ट है आज की दर के अनुसार लगभग 1920 करोड़ रुपये का ये एनुअल इम्पैक्ट इसका हरियाणा के राजस्व पर पड़ने वाला है। देखिए, वर्तमान में चूँकि वर्तमान परिस्थितियां हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के जो दाम हैं वो बेहद आशा बढ़ गए हैं और उसके परिणाम में जैसे जब कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो रुपये की कीमत पर भी आता है।